हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जूस पीना किसे नहीं पसंद है, सभी को जूस अच्छा लगता है और गर्मियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। ऐसे में तो बस ठंडा ठंडा जूस मिल जाए, चाहे वो संतरे का हो, चाहे अनार का हो, चाहे मौसमी का हो, मजा ही आ जाता है पी के। गर्मी में जब ठंडा ठंडा जूस पीते हैं तो बहुत ही अच्छे से फ्रेशनेस आ जाती है और ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद भी है। तो देखिए, मैं मार्केट से ये ले आई थी संतरा और आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छे फ्रेश फ्रेश संतरे आ रहे हैं, बिल्कुल मीठे ताजे। तो बस मैंने सोचा चलो इसका जूस बनाते हैं और आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करते हैं, क्योंकि जूस पीने में तो अच्छा लगता है लेकिन निकालने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। या तो मिक्सर हमारे पास जूसर मशीन हो तब आसानी से निकल जाएगा, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ जो तरीका शेयर कर रही हूँ ना, इसमें हमें किसी भी जूसर मशीन की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत ही आसानी से घर में बिल्कुल चुटकियों में 10 मिनट के अंदर ये जूस निकाल सकते हैं संतरे का, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा बन जाता है, बिल्कुल कोई भी कड़वाहट नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, मैंने संतरे को इस तरह से छील लिया है, इसके ऊपर का छिलका निकाल दिया है और अब मैं क्या करूंगी कि इसमें जो रेशे है ना, इसको भी मैं निकाल दूंगी। इसके रेशे हमें नहीं इसमें यूज करना है, इसको हमें अच्छे से थोड़ा सा मेहनत करके इसको निकाल देना है। सारे रेशे जब निकल जाएंगे तो हमें जूस बनाने में बहुत ही आसानी होगी। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि मेरे बच्चों को संतरा बहुत पसंद है, मेरी बेटी को तो खास करके पसंद है, लेकिन वो अभी बहुत छोटी है तो वो खा नहीं पाती है। उसमें जो बीज आते हैं तो उसका पल्प और बीज दोनों ही ख़राब कर देती है, उसे फेंक देती है, उसको अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उसे अक्सर इस तरह से जूस बनाकर दे देती हूँ तो वो पी लेती है। तो बस मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी यह तरीका शेयर करती हूँ, शायद आप लोगों के थोड़ा सा काम आ जाए। तो देखिए, मैं इसके सारे जो इसमें रेशे हैं ना संतरे के, इसको अलग कर ले रही हूँ, इस तरह से निकाल दे रही हूँ। उसके बाद इसमें जो कलियाँ हैं संतरे की, इसको भी मैं बिल्कुल अलग अलग कर लूँगी। तो देखिए, हमने इसे अच्छे से साफ कर लिया है सारे को और मैंने यहाँ 5 संतरे लिए हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको बाद इसको मैं इस तरह से तोड़ के इसमें जो कलियाँ हैं संतरे की, इसको सारा मैं इस तरह से निकाल के अलग अलग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हमें शुरुआत में मेहनत करनी होगी, इसके छिलके को छीलना होगा और इसके जो ये कलियाँ हैं इनको निकालना होगा। आप चाहें तो इसी समय इसके बीज भी निकाल सकते हैं। देखिए, इसमें बीज जो होता है, ये संतरे की जो कलियाँ होती हैं इसके बिल्कुल बीचों बीच में होता है, तो हम इसको जो है इस तरह से तोड़ देंगे अगर बीज से, तो इसके बीज आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन कौन इतनी झंझट करे, मैं आप लोगों को और भी आसान तरीका बताती हूँ। ना इसमें से बीज निकालना पड़ेगा ना कुछ, केवल आप इसकी कलियों को अलग कर लीजिए और इसके रेशे वगैरह को निकाल दीजिए और बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी आपको। बिल्कुल भी कोई इसमें कड़वाहट नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही अच्छा हमारा संतरे का जूस बिल्कुल मार्केट जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए, मैंने सारे इसकी ये जो कलियां हैं संतरे की, इसको अलग कर लिया है और ये देखिए इस तरह से मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इसमें मैंने बीज भी बिल्कुल भी नहीं अलग किया, इसमें सारे में इस तरह से बीज है। आप चाहे तो ये बीज बीज से निकाल दे सकते हैं, आजकल तो जो संतरे आ रहे हैं इसमें बीज भी कम होते हैं, 2 ही 4 बीज होते हैं। तो बस इसको इस तरह से चाहे आप तोड़ के रख लीजिए या फिर ऐसे ही बिल्कुल रखिए, इसकी केवल कलियों को अलग कर लीजिए बस। और चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो देखिए, मैंने मिक्सर ग्राइंडर का जार ले लिया है और इसमें ये जो सारे हमारी संतरे की कलियाँ हैं ना, इसको हम इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, क्योंकि ये जो संतरा है जब हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर हल्का सा चलाएंगे तो इसके जो पल्प निकलेंगे वो काफ़ी गाढ़े रहेंगे। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी, आप देखिए मैंने आधे कप से भी थोड़ा कम ही पानी लिया है और इसको इसमें डाल देती हूँ। और चूंकि हमने इसमें पानी डाला है तो मीठे को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें केवल 2 चम्मच ये चीनी डाल रही हूँ। ये आप डालिए या फिर स्किप भी कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा मीठा रहे, मेरे बच्चों को अच्छा लगता है, तो बस मैंने इसमें 2 चम्मच ये चीनी डाल दी है, क्योंकि थोड़ा सा पानी यूज किए हैं तो इसका मीठापन थोड़ा कम हो जाता है। इसके बाद बस हम इसको क्या करेंगे कि इस तरह से इसको मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालकर पीस लेंगे। तो यहाँ फ्रेंड सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि मिक्सर ग्राइंडर को हमें लगातार नहीं चलाना है, हमें इसे चलाना है, बंद करना है, चलाना है, बंद करना है, बिल्कुल हल्का हल्का इसको चलाएंगे ना तो बिल्कुल भी इसके बीज जो है वो इसमें नहीं पिसेंगे, सारे बीज इसके बिल्कुल साबुत रहेंगे। और जो हमारा ये
संतरे का पल्प है, ये आसानी से इसमें पीस जाएगा और सारा जूस निकल जाएगा। और देख सकते हैं आप, मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है। हमारे संतरे का जो जूस है, पल्प है, ये बिल्कुल पीस कर तैयार हो गया है। तो बस मैं इसे छन्नी ले रही हूँ बड़ी वाली, और इसमें इस तरह से छान लूंगी इसको अच्छे से, किसी स्पैचुला से इस तरह से या स्पून से हिलाते हुए इसके हमें सारा इसका जूस निकाल लेना है। और ये देखिए, मैं इसका सारा जूस निकाल ले रही हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल भी एक भी बीज इसमें पिसता नहीं है मिक्सी में। लेकिन सबसे हमें यहाँ यही ध्यान देना है कि मिक्सर ग्राइंडर को हमें लगातार नहीं चलाना है। जैसे हम मसाले वगैरह पीसते हैं तो लगातार चलाते हैं, इस तरह से हमें बिल्कुल भी नहीं चलाना है, नहीं तो जो इसके बीज है ना वो उसी में पिस जाएंगे संतरे के पल्प के साथ, तब हमारा जूस जो है वो कड़वा लगेगा। तो यहाँ यही इसमें ध्यान देने वाली सबसे ज़रूरी बात है कि हमें लगातार मिक्सर ग्राइंडर को नहीं चलाना है। और आप देख सकते हैं कि इसके एक भी बीज जो है बीज से कटा नहीं है, सारा बिल्कुल साबुत ऐसे ही बीज है। तो बस इस तरह से हम इसको छान लेंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा मोटा रेशा वगैरह आ रहा है तो आप किसी और बारीक छन्नी से इसे छान सकते हैं। और देखिए, हमारा जूस बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी ये लगता है पीने में, और इसका सारा जूस निकल जाता है संतरे का बहुत ही आसानी से। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसको निकालने में, बस हमें इसको छीलने में और इसके रेशे निकालने में जो मेहनत लगती है वही लगती है। जूस निकालने में हमें ज़रा भी टाइम नहीं लगता, और आप कितने भी सारे जूस इससे बनाकर इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसको सर्व ही कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने गिलास ले लिया है, और इसमें मैंने सबसे पहले नीचे डाला है काला नमक, इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये बर्फ़ के टुकड़े, और इसके बाद इसमें अपना जूस डाल देंगे। तो बिल्कुल मार्केट जैसा है, बिल्कुल हमारा ये संतरे का जूस बनकर तैयार हो जाएगा, और सच में बहुत ही टेस्टी लगता है पीने में, बहुत ही फायदेमंद भी होता है। तो भाई, मैं तो अपने बच्चों को इस तरह से संतरे मौसम्मी का जूस निकाल कर देती हूँ पीने के लिए, खासकर बेटी को देती हूँ क्योंकि वो खा नहीं पाती है संतरे को, तो मैं उसे इस तरह से जूस बनाकर दे देती हूँ, वो आसानी से पी लेती है। और देखिए, हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी ये जूस बनकर तैयार हो गया है। 5 संतरे से हमने लगभग ये 2 गिलास जूस निकाल लिए हैं। इसमें मैंने थोड़े से आइस क्यूब भी डाले हैं ताकि ये और भी टेस्टी लगे पीने में। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं आइस क्यूब को, और नमक डाल देंगे इसमें थोड़ा सा काला ना, तो इसका और भी टेस्ट अच्छा लगता है। तो बस फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने जूस बनाकर रेडी कर लिया है बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही अच्छे से। जो भी मेहनत लगती है हमें केवल शुरुआत में उसको प्रिपरेशन करने में लगती है, जूस निकालने में ज़रा भी टाइम नहीं लगता है। तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं तो ले चल रही हूँ अपने बच्चों को देती हूँ पीने के लिए। आप लोग भी फटाफट से लाइए संतरा मार्केट से, और जूस बनाकर अपने बच्चों को पिलाइए बहुत ही आसानी से, बिना किसी जूसर मशीन के। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।